नंबर इज इक्वल टू वाई अब क्वेश्चन में क्या कहता है स्क्यर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज एट टाइम्स द लार्जर नंबर क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन। क्या दे रखा है हमें गिवन में स्क्यर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एट टाइम्स द लार्जर नंबर ये हमें गिवन में दे रखा है इसको फर्स्ट इक्वेसन मान लेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम क्वेश्चन में और क्या दे रखा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्यर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री दोनों के स्क्यर का डिफरेंस तो बड़े वाले नंबर में के स्क्यर में से छोटे का स्क्यर माइनस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 180 के इक्वल क्या लिखेंगे ऑल्सो गिवन में क्या दे रखा है वाई स्क्यर माइनस एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल दे रखा हमें वन एट्टी वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क् की वैल्यू एट वाई रख देंगे यहाँ पे तो क्या 180. 180 आ जाएगा तो वाई स्क्स एट वाई माइनस वन एट्टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी वाई में वाई की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे कंपेयर इट विद किसके साथ कंपेयर करेंगे हम इसको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी देन ए इज इक्वल टू वाई स्क्र का कोफिशियंट वन है बी की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई का कोफ़िशियंट माइनस एट और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन एट्टी उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है वाई की वैल्यू निकाल लेंगे वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वाई की निकलेगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाय टू ए सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे बी की वैल्यू माइनस एट है तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस एट प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर माइनस फोर मल्टीप्लाई ए की वैल्यू वन मल्टीप्लाई सी की वैल्यू माइनस एट. वन एट्टी बाई टू ए टू मल्टीप्लाई वन वैल्यू रखेंगे एट प्लस माइनस रूट ऑफ सिक्सटी फोर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस वन एट्टी की फ़ोर से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा सेवन ट्वेंटी अपॉन टू इनको सोल्व करेंगे एट प्लस माइनस ऐड करते हैं सेवन ट्वेंटी में सिक्सटी फोर ऐड करेंगे क्या आ जाएगा ये सेवन एट्टी फोर डिवाइड बाय टू तो सेवन एट्टी फोर किसका स्क्वायर होता है सेवन एट्टी फोर निकालेंगे किसका स्क्वायर होता है ये ट्वेंटी एट का करके देखें किसका होता है ट्वेंटी एट का तो ये आ जाएगा एट प्लस माइनस ट्वेंटी एट बाई टू ये वैल्यू आ जाएगी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे एक बार प्लस का साइन लेके एक बार माइनस का तो वाई की वैल्यू आ जाएगी एट प्लस ट्वेंटी एट बाई टू एंड दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी वाई की एट माइनस ट्वेंटी एट बाई टू तो ये आ जाएगा एट प्लस ट्वेंटी एट कितना आ जाएगा ये थर्टी सिक्स बाय टू तो y इज इक्वल टू थर्टी सिक्स बाय टू कितना आ जाएगा एटीन दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी y की एट माइनस ट्वेंटी एट माइनस का ट्वेंटी बाई टू तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन तो y की वैल्यू एटीन लेते हैं हम पहले तो तो x की वैल्यू भी निकालनी हमें तो क्या लिखेंगे वैन y इज इक्वल टू एटीन वाई की वैल्यू अगर हम 18 पुट करें तो क्या आ जाएगा देन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाई एटीन तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो क्या आ जाएगा ये 144 तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12 अब उसके बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे वा की वैल्यू अगर हम माइनस टेन लेंगे तो वो नोट पॉसिबल होगा कैसे देखो लिखते हैं वैन वाई इज इक्वल टू माइनस टेन देन अगर हम y की वैल्यू माइनस टेन लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्र इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाई माइनस टेन तो क्या आएगा ये माइनस वन एट्टी तो स्क्केयर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती स्क्यर क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो ये क्या आ जाएगा नॉट पॉसिबल तो इस केस को हम नेगलेक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी प्लस माइनस ट्वेल्व तो हम वाई की वैल्यू पॉजिटिव है एक्स की भी क्या लेंगे पॉजिटिव तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो एक्स वाई के आ जाएगा हमारे पास लार्जर नंबर आ जाएगा ये एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी एटीन एक्स की वैल्यू हम माइनस ट्वेल्व भी ले सकते हैं दोनों सही है माइनस ट्वेल्व एटीन और प्लस ट्वेल्व एटीन दो आंसर निकलेंगे इसके तो दूसरा आंसर क्या होगा स्मोलर नंबर स्मोलर नंबर हम क्या ले सकते हैं माइनस ट्वेल्व ले सकते हैं और लार्जर नंबर हमारा क्या रहेगा लार्जर नंबर इज इक्वल टू एटीन देखो ये थी हमारी एक्स और वाई की वैल्यू अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एट्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है एथ क्वेश्चन में दे रखा है ए ट्रेन ट्रेवल्स थ्री सिक्सटी किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म इफ स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन फाइव किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन वन आवर लेस फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या कहता है ट्रेन ने थ्री सिक्सटी किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया तो देखो हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है लिखेंगे टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है थ्री सिक्सटी किलोमीटर मान लेंगे हम क्वेश्चन में लेट स्पीड ऑफ ट्रेन ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर ये हमने ट्रेन की स्पीड मान ली उसके बाद हम टाइम निकाल लेंगे इस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा तो क्या लिखेंगे देन टाइम टेकन टाइम कितना लगेगा हमारा देखो फॉर्मूला होता हमारा स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम तो टाइम का क्या फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड तो टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो ये आ जाएगा 360 सिक्सटी बाय एक्स आवर ये हमारा टाइम आ जाएगा अब ये क्वेश्चन में कहता इफ स्पीड ऑफ ट्रेन जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाए फाइव किलोमीटर पर आवर मोर पाँच किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए पहले एक्स थी अगर ये कितनी हो जाए एक्स प्लस फाइव हो जाए किलोमीटर पर आवर तो ये कहता है कि ये कितना टाइम लेगा एक आवर कम लेगा सेम जर्नी के लिए पहले तो इसका टाइम निकाल लेते हैं तो क्या लिखेंगे देन टाइम टेकन तो कितना टाइम लेगी ट्रेन टाइम निकाल लेते हैं हम कितना टाइम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बाय स्पीड तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 360 सिक्सटी अपॉन स्पीड अब कितनी है एक्स प्लस फाइव इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगी 360 सिक्सटी बाय एक्स प्लस फाइव आवर में अब दोनों टाइम आ गए हमारे पास अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है ये जो टाइम है ये क्या है वन आवर लेस है पहले वाले टाइम से तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टाइम कम है अगर हम इसमें से ये माइनस करें तो किसके इक्वल आएगा वन के इक्वल दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या लिखेंगे थ्री सिक्सटी बाय एक्स माइनस थ्री सिक्सटी बाई एक्स प्लस फाइव किसके इक्वल आएगा ये वन के इक्वल हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है देखो सोल्व करेंगे इनको एलसीएम लेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव एल्शियम आ जाएगा एक्स प्लस फाइव की इधर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सिक्सटी की एक्स के साथ थ्री सिक्सटी एक्स प्लस थ्री सिक्सटी की फाइव से करेंगे जीरो थर्टी थ्री फाइव थ्री जब फिफ्टीन और थ्री एटीन माइनस थ्री सिक्सटी की एक्स के साथ क्या आ जाएगा थ्री सिक्सटी एक्स इज इक्वल टू वन थ्री सिक्सटी एक्स से थ्री सिक्सटी एक्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर वैल्यू बचेगी वन थाउजेंड एट हंड्रेड अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वेयर एक्स की फाइव के साथ आ जाएगा फाइव एक्स इज इक्वल टू वन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा ये वन थाउजेंड एट हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एक्स ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस वन थाउजेंड एट हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको कंपेयर करेंगे हम कंपेयर इट विद किसके साथ कंपेयर करेंगे हम इसको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा देन ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट वन बी की वैल्यू एक्स का कोफिशियंट फाइव और सी की वैल्यू कॉन्सटेंट टर्म माइनस वन थाउजेंड एट हंड्रेड अब क्या करेंगे देखो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाय टू एज इक्वल टू माइनस बी बी की वैल्यू रखेंगे माइनस फाइव प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र फाइव का स्क्यर करेंगे क्या आएगा ट्वेंटी फाइव माइनस फोर मल्टीप्लाई ए की वैल्यू वन मल्टीप्लाई सी की वैल्यू माइनस वन थाउजेंड एट हंड्रेड अपॉन टू ए टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू वन अब इनको सोल्व करते हैं ये आ जाएगा माइनस फाइव प्लस माइनस स्क्यर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव एटीन की फोर है सेवेंटी टू माइनस माइनस क्या आएगा प्लस सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइड बाय टू तो ये आ जाएगा माइनस फाइव प्लस माइनस दोनों को ऐड करेंगे सेवन टू टू फाइव बाई टू ये किसका स्क्वायर होता है एट्टी फाइव का तो ये एट्टी फाइव का स्क्वायर होता है यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस फाइव प्लस माइनस एट्टी फाइव बाई टू तो एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी माइनस फाइव प्लस एट्टी फाइव बाई टू एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी एक्स की माइनस फाइव माइनस एट्टी फाइव बाई टू तो ये आ जाएगा एट टी बाय टू तो x की वैल्यू एट्टी को टू से डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी फोर्टी यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस नाइन्टी बाय टू तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस फोर्टी फाइव तो x क्या था हमारा स्पीड ऑफ़ ट्रेन स्पीड ऑफ़ ट्रेन नेगेटिव तो हो नहीं सकती तो so, हम क्या वैल्यू लेंगे फोर्टी तो so, क्या आ जाएगा लिख देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी हमारी फोर्टी किलोमीटर पर आवर